लेबनान के हिजबुल्ला से युद्ध के बीच इसराइल ने बड़ा दावा किया है। इसराइल ने 21 अक्टूबर को कहा कि हिजबुल्ला ने बैरूत में एक अस्पताल के नीचे बने बंकर में करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना छिपा रखा है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संबंधित अस्पताल अल साले के निदेशक और शायद अमल मूवमेंट पार्टी सांसद फदी अलामे ने कहा कि इसराइल झूठे और बदनाम करने वाले दावे कर रहा है। इस मामले पर इसराइली सैन्य प्रवक्ता ने कहा, मैं उस जगह की खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने जा रहा हूं जहां हमने हमला नहीं किया है और जहां हिजबुल्ला के पास हसन नसरल्लाह के बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी है। बंकर कहां है? बैरूत के मध्य में दहिया में अले साले अस्पताल के ठीक नीचे ये अस्पताल है। दोनों तरफ से आप एंट्री और एग्जिट देख सकते हैं। ये भूमिगत बंकर के नीचे जमीन के नीचे से प्रवेश और निकास सुरंग शाफ्ट हैं। प्रवेश अल महदी इमारत में स्थित है और निकास सलाम सेंटर बिल्डिंग में है। ये बंकर है। इसमें लंबे समय तक रहने के लिए कमरे, बिस्तर और बुनियादी ढांचा है और जमीन के नीचे से सीधे युद्ध करने की क्षमता है। हिजबुल्ला ने इस बंकर को सीधे इस अस्पताल के नीचे बनाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इजरायली वायुसेना परिसर पर नजर रख रही है, हालांकि हम अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे। इस बीच इसराइल ने हिजबुल्ला की कथित वित्तीय शाखा अल कर्द अल हसन के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइल ने बैरूत, दक्षिणी लेबनन और बेका घाटी में हमले किए हैं। अल कर्द अल हसन के बारे में अमेरिका का कहना है कि इसका इस्तेमाल ईरान समर्थित हिजबुल्ला अपने फंड का प्रबंधन करने के लिए करता है। अल कर्द अल हसन के बहुत से ठिकानों की पहचान घनी आबादी वाले हिस्सों में की गई थी।